हेलो एवरीवन वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आई एम नीरज कुमार कैथल लेट्स बिगिन आर टुडेज एमसीक्यू सेशन फर्स्ट क्वेश्चन द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर एट टू नाइन या फोर पॉइंट फाइव टू फाइव द राइट आंसर इज ऑप्शन बी याद रखिएगा ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पी एच सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव के बीच में होता है हम कह सकते हैं कि ये ब्लड पीएच स्लाइटली एल्केलाइन है नेक्स्ट क्वेश्चन ल्स ट्यूमर इज एसोसिएटेड विथ विल्म्यूमर किससे संबंधित है पॉलीसिस्टिक किडनी रीनल डिस्प्लेशिया रीनल हाइपोप्लेशिया या हॉश शू किडनी ऑप्शन डी एज करेक्टियर विल्म्यूमर बच्चों की किडनी में पाया जाने वाला एक ट्यूमर है एक कैंसर है और इस ट्यूमर को के होने के बाद जो बच्चे की किडनी है वो हॉर्स शू शेप की हो जाती है घोड़े के पैरों की नाल के आकार की हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन बोर कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन बोर कमिटी किस वर्ष बनाई गई थी 1943 में 1946 में 1942 में या फिर 1941 में द राइट आंसर इज ऑप्शन ए भोर कमिटी 1943 में बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एग्ज़ाम में इस कमिटी का दूसरा नाम क्या है इसे भी कई बार पूछा गया है याद रखिएगा भोर कमिटी को हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी के नाम से भी जानते हैं आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी दिस इज द अनदर नेम ऑफ भोर कमिटी इसके अलावा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस कमिटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे तो आप बताएंगे सर जोसेफ बोर सर जोसेफ बोर इस कमेटी के चेयरमैन थे इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर कॉन्सेप्ट को लाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इन एज हमारे ब्लड में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फेब्रीनोजन एल्ब्यूमिन ग्लोब्युल या प्रोथ्रोम्बिन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन हमारे शरीर में जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं उन सभी में से सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। यही एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है इस ऑनकोटिक प्रेशर के कारण ही जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स में ही बने रहते हैं फ्लो करते हैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते अगर किसी कारणवश एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये ऑनकोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा और इन ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में बह रहा फ्लूइड टिश्यू स्पेस में जा आ जाएगा और पूरी बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन फीटल सर्कुलेशन फंक्शंस फुली बाय फीटल सर्कुलेशन किस समय पूरी तरह से फंक्शनल हो जाता है काम करने लगता है ट्वेल्व वीक प्रेगनेंसी पर ट्वेंटी एट पर एट पर या सिक्स वीक्स प्रेगनेंसी पर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्वेल्व वीक ट्वेल्व वीक की प्रेगनेंसी पर फीटल सर्कुलेशन पूरी तरह से फंक्शनल हो जाता है फीटल सर्कुलेशन में लंग्स फंक्शनिंग नहीं होते इसी वजह से फीटल सर्कुलेशन अडल्ट सर्कुलेशन से अलग होता है फीटल सर्कुलेशन को अडल्ट सर्कुलेशन से अलग बनाने के लिए तीन स्ट्रक्चर्स जिम्मेदार होती हैं जो कि हैं फोरामेन ओवेल डक्टस आर्टीरियोस और डक्टस विनोसेस। डक्टस विनोसेस लीवर को बाईप पा, बाईपास करने वाली स्ट्रक्चर है ये वेन के दो वेंस के बीच में पाई जाती है डक्टस आर्टीरियोस दो आर्टरीज के बीच में पाई जाती हैं ये लंग्स को बाईपास करती हैं जबकि फोरामेन ओवेल जो है ये हमारे हार्ट के दो अपर चैम्बर्स यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में पाई जाती है इस होल से राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में शिफ्ट होता है नेक्स्ट वेन अ फर्टिलाइज ओवम इज़ इम्प्लान्ट आउटसाइड द यूटराइन कैविटी अगर किसी प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज ओवम है वो यूटराइन कैविटी से बाहर इम्प्लान्ट हो जाए यानी अपनी नॉर्मल साइट पर इम्प्लांट ना हो तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओवेरियनसेस्ट हाइडेटिडी फॉर्म मोल या फिर अबॉशन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अगर फर्टिलाइज ओवम अपनी नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट पर जाकर ना इम्प्लान्ट हो तो ये कंडीशन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहलाती है इम्प्लांटेशन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद छठे दिन शुरू होता है और ग्यारहवें दिन कंप्लीट होता है मोस्ट कॉमन एक्टोपिक साइट यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे एम्प्यूला फेलोपियन प्यूट फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा और सबसे लम्बा पार्ट होता है एम्प्यूला और इसी एम्प्यूला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन भी कम्प्लीट होता है और इसी जगह पर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेग्नेंसीज देखी जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल डाईमीटर ऑफ आर बी सी एज रेड ब्लड कारपसल्स का डायमीटर आपको बताना है सेवन टू एट माइक्रोमीटर सिक्स टू सेवन एट टू नाइन नाइन टू टेन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेवन टू एट माइक्रोमीटर म्यू एम जिसे आप कह सकते हैं एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो सेवन म्यू एम इज द आंसर जब कोई स्ट्रक्चर डिस्क शेप की होती है चपटी होती है गोलाकार होती है तो हमेशा इसमें डायमीटर मापा जाता है डायमीटर का मतलब है कि इसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट की दूरी डिस्क शेप डिस्कॉइड शेप आर की जो डायमीटर है वो सेवन माइक्रोमीटर होता है आर हीमोग्लोबिन कैरी करती हैं और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन को भी कैरी किया जाता है यह इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लड वेसल विच सप्लाई हर्ट हर्ट को कौन सी ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है पल्मोनरी कॉरोनरी कार्डियक या रीनल द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कॉरोनरी याद रखिएगा हर्ट को कॉरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती है और इन कॉरोनरी आर्टरीज़ में हर्ट जब डायोस्टॉल होता है तब ब्लड सप्लाई होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट एज ब्लड में नॉर्मल प्लेटलेट्स का नंबर बताना है आपको टू लैख टू थ्री थ्री फिफ्टी लैख वन लैख टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड टू सिक्स लैख नाइन्टी थाउजेंड वन लैख टू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी याद रखिएगा हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स डेढ़ लाख से साढ़े चार लाख सेल्स पर एम एम क्यूब होती हैं प्लेटलेट्स ब्लड कोग्युलेशन के लिए इस इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मानी जाती हैं डेंगू डिजीज में प्लेटलेट काउंट काफ़ी तेजी से कम होता है और इस डिजीज़ में पर्सन ब्लीडिंग के रिस्क पर रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सी एस सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है स्टाफिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स फार्मूलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स या बजटिंग द राइट आंसर एज़ ऑप्शन बी इन चारों ऑप्शनस में यदि देखा जाए तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना लोगों तक पहुँचाना सी एस सी की जिम्मेदारी होती है इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपलिक स्पोर्ट्स कैन बी ऑब्जर्वड इन कॉपलिक स्पोर्ट्स किस जगह पाए जाते हैं ओरल म्यूकोसा नेक स्किन या चेस्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉपलिक स्पोर्ट्स बकल कैविटी में ओरल म्यूकोसा पर पाए जाने वाले स्मॉल वाइट स्पॉट्स होते हैं और जनरली ये मीजल्स डिजीज में देखने को मिलते हैं मीजल्स जिसे आप रूबियाला डिजीज के नाम से भी जानते हैं मीजल्स डिजीज़ की प्रोड्रोमल स्टेज जो कि स्टार्टिंग स्टेज होती है उसी स्टेज में कॉपलिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को आप यूनिवर्सल डोनर के रूप में जानते हैं ए बी बी या ओ द राइट आंसर एज ऑप्शन डी एट एस ओ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं ब्लड ग्रुप का ये जो ए बी ओ सिस्टम है इसे कारलैंड स्टीनर द्वारा दिया गया था और इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया किसी भी ब्लड में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा इसका निर्धारण उस ब्लड ग्रुप में मौजूद एंटीजन के हिसाब से होता है अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होगा बी है तो उसमें बी होगा ए बी है तो उसमें दोनों ही ए और बी एंटीजन मौजूद होंगे और ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है कि इसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है हर एंटीजन के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं जैसे ए ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में ए एंटीजन है तो यहाँ पर बी एंटीबॉडी होगा बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में बी बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी होगा और ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में ए और बी एंटीजन दोनों मौजूद होते हैं इसलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में कोई भी एंटीजन नहीं है इस वजह से यहाँ पर ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्स रेशियो इज यूज टू डिस्क्राइब सेक्स रेशियो क्या है इसे आपको बताना है नंबर ऑफ़ मेल्स पर वन थाउजेंड फ़ीमेल हर एक हज़ार फीमेल्स पर मेल्स की संख्या नंबर ऑफ़ फ़ीमेल्स पर वन थाउजेंड मेल्स एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या नंबर ऑफ़ मेल्स पर वन थाउजेंड बर्थ्स एक हज़ार जन्मे बच्चों पर मेल्स की संख्या या फिर नंबर ऑफ फ़ीमेल्स पर वन थाउजेंड बर्थ एक हज़ार जन्मे बच्चों में फ़ीमेल्स की संख्या द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी याद रखिएगा एक हज़ार मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं इसका अनुपात सेक्स रेशियो है एक हज़ार पुरुषों पर कितनी फीमेल्स हैं ये रेशियो ही सेक्स रेशियो कहलाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरला स्टेट जो है केरला राज्य जो है वहां पर सेक्स रेशो है 1084 यानी कि 1000 पुरुषों में एक हजार चौरासी फीमेल्स हैं महिलाएं हैं दिस इज द हाइएस्ट सेक्स रेशो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसेस नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी कैलोरीज प्रोवाइडेड बाय वन ग्राम ऑफ प्रोटीन एक ग्राम प्रोटीन के द्वारा कितनी कैलोरी एनर्जी बनती है फोर ए टेन सिक्स प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है इंपॉर्टेंट है द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फोर किलो कैलोरीज याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर एक ग्राम खर्च किए जाते हैं तो इससे हमें फ़ोर किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है जबकि एक ग्राम फैट यदि आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको नाइन किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड ग्रुप वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी रॉबर्ट कोच कारण स्टीनर पॉल एनच या एंटोन वैन ल्यूवनॉक द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी कार लैंड स्टीनर ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्स्ड इन द ईयर ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था एट्टी टू में एटी वन में एट्टी में या सेवेंटी नाइन में द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एन 1982 में लॉन्च किया था 1982 में नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन्प्स इन मैचूरेशन ऑफ आर बी सी फॉर्मेशन आर बी सी के निर्माण और उसके मैचूरेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है विटामिन बी वन बी टू बी सिक्स या बी ट्वेल्व द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व को आप साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं और इसके द्वारा आरबीसी का निर्माण और उसको मैच्योर करने का काम किया जाता है एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम पर्सन को आयरन फॉलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व देते हैं विटामिन बी कई टाइप्स का होता है और एग्ज़ाम में इसके नामों को भी पूछा जाता है याद रखिएगा विटामिन बी वन को हम थाइमिन के नाम से जानते हैं विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं आप मेरे साथ रिवाइज़ करिएगा विटामिन बी थ्री नियासेन विटामिन बी फाइव पेंटोथैनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सेन विटामिन बी सेवन, बायोटीन बी नाइन फॉलेट या फॉलिक एसिड, विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबालामीन। यस करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन परनीशियस एनीमिया इज कॉस्ड बाय विद द डेफिशेंसी ऑफ़ किसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होता है थाइमीन आयरन विटामिन बी ट्वेल्व या फॉलिक एसिड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होने वाला एनीमिया परनीशियस एनीमिया है नेक्स्ट इन विच कंडीशन अम्लिकल कॉर्ड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा किस कंडीशन में अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के मार्जिन पर अटैच होती है बैटर डोर प्लेसेंटा सर्कम प्लेसेंटा सक्सीचुरेटा, वेलामेंटस प्लेसेंटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्लेसेंटा और अम्लिकल कॉर्ड बच्चे को मदर से कनेक्ट करने के लिए होती हैं अगर किसी प्लेसेंटा पर अम्लिकल कॉर्ड मार्जिन्स पर अटैच हो तो ये देखने में कुछ इस प्रकार की अपीरियंस देती है इसे हम बैटल डोर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं जो चिड़ी बल्ला खेलने का रैकेट होता है उस प्रकार की अपीरियंस यदि हो तो यह बैटल डोर प्लेसेंटा कहलाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंटीडॉट टू वॉरफेरिन वॉरफेरिन का एंटीडॉट बताना है आपको हिपेरिन विटामिन के विटामिन बी या आयरन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वॉरफेरिन एक औरल एंटीकॉलेंट मेडिसिन है और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर हम विटामिन के को एज़ अ एंटीडॉट इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी कम्युनिटी में आयरन डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा माना जाता है ट्रांसफेरिन सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या हीमोग्लोबिन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हमारे शरीर में जो आयरन है वो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है अगर किसी पर्सन की बॉडी में कितना फेरेटिन है इसे आप टेस्ट द्वारा पता लगा लें तो हम ये एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि पर्सन में आयरन का लेवल कितना है सो so, सीरम फेरेटिन लेवल का उपयोग आयरन डेफिशिएंसी को पता लगाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बॉयज मेल्स में बॉयज में सेक्सुअल मैच्योरिटी का पहला साइन किसे माना जाता है मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होते हैं प्यूबर्टी आती है तो सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलता है इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन फेशियल हेयर इंक्रीज इन एक्सिलरी हेयर या टेस्टिक्युलर एनलार्जमेंट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेस्टिक्युलर एनलार्जमेंट याद रखिएगा बच लड़कों में बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होते हैं प्यूबर्टी आती है तो सबसे पहले टेस्टिस का साइज बढ़ता है और उसके बाद पैनिस का साइज बढ़ता है और फाइनली प्यूबिक हेयर अपीयर होते हैं उसके बाद आवाज़ का भारी होना लेंथ बढ़ना वियर्ड आना ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं फीमेल्स में बात की जाए तो आ, फर्स्ट जो साइन है सेक्सुअल मेचोरिटी का प्यूबर्टी का वो होता है थैलार्की थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलप होना और इनमें आखिरी साइन यदि पूछा जाए तो वो है मेनारकी यानी फर्स्ट मैंसुर ब्लड फ्लो का आना थर्टीन ईयर्स की एज पर फीमेल्स में जनरली ये साइंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनहेरिटेड सेक्स लिंग्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज अनुवांशिक सेक्स लिंकड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है हीमोफीलिया सेल डिजीज या परपोर्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इट इज हिमोफीलिया इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है हीमोफीलिया इसे हम रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे पहले इसे शाही परिवार में खोजा गया था हीमोफीलिया बेसिकली दो प्रकार का होता है हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी हीमोफीलिया ए जो है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर एट की कमी से होता है जबकि हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर नाइन की कमी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट्स इज रेगुलेटेड मेनली बाय न्योनेट्स में बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा मुख्य रूप से मेंटेन किया जाता है स्वेटिंग ब्राउन एडिपोस टिश्यू वार्म सीकिंग बिहेवियर या शिवरिंग द राइट आंसर इज ऑप्शन बी न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर जनरली जो हाइपोथैलेमस होता है जो कि हमारी बॉडी का टेम्प्रोच टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर माना जाता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता फंक्शनिंग नहीं होता और हाइपोथैलेमस यदि डेवलप नहीं है तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ब्राउन एडिपोस टिश्यूज़ बॉडी में पाए जाते हैं ये ब्राउन एडिपोस टिश्यू बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में शिवरिंग मैकेनिज़्म भी शुरू हो जाती है जैसे मान लीजिए कि आपको जब ठंड लगती है तो अचानक आपकी बॉडी में शिवरिंग शुरू हो जाती है कप कपाहट शुरू हो जाती है इस शिवरिंग होने के पीछे ये कारण है कि शिवरिंग होने पर हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होने लगता है गर्मी हो पैदा होने लगती है और इस गर्मी के प्रोडक्शन के कारण हमें ठंड लगना कम हो जाती है तो जैसे ही आपको ठंड लगती है शिवरिंग होती है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी अंदर कपकपाहट करके शिवरिंग करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है हीट प्रोड्यूस कर रही है और आपको ठंड से बचा रही है छोटे बच्चों में नियोनेट्स में ये मैकेनिज़्म नहीं पाई जाती वहाँ पर ब्राउन एडिपोस टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन का, का काम करते हैं नियोनेट का मतलब होता है जन्म से लेकर 28 दिन तक की उम्र वाला बच्चा नेक्स्ट विच ड्रग इज रिस्पांसिबल फॉर रेडमैन सिंड्रोम किस ड्रग के कारण रेडमैन सिंड्रोम हो सकता है वेनकोमाइसिन लाइन्जोलेट क्लोरामफेनिकोल सिफेड्रॉक्सिल द राइट आंसर एज ऑप्शन ए वेनकोमाइसिन एग्ज़ाम में दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं सबसे पहले रेडमेन सिंड्रोम ये वैनकोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक के देने पर होता है और ग्रे बेबी सिंड्रोम सॉरी हाँ ग्रे बेबी सिंड्रोम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्लोराम फेनिकॉल की द्वारा होता है ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज किडनी की फंक्शनल यूनिट किसे माना जाता है ग्लोमेरुलस को नेफ्रॉन को बॉमेंस कैप्सूल को या कालेक्स को द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज नेफ्रॉन याद रखिएगा हमारी किडनी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन ये नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और हर किडनी में करीबन एक मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं यानी दस लाख नेफ्रॉन्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हॉटकिंस डिजीज इज रिलेटेड टू हॉटकिंस डिजीज किस से संबंधित है बोन्स किडनी लिम्फोसाइट्स या लीवर द राइट आंसर is ऑप्शन सी हॉटकिंस डिज़ीज़ इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू लाइक लिम्फ नोड लिम्फोसाइड एक्सेट्रा लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाला कैंसर हॉटकिंस डिज़ीज कहलाता है और इस डिजीज़ में लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ नोड और लिम्फोसाइड्स मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं हॉटकिंस डिजीज़ में स्टर्नबर्ग सेल्स की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है ये इस डिजीज को कंफर्म करवाने के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है नेक्स्ट द ऑब्जर्वेबल टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट्स आइसबर्ग फिनोमिना के अनुसार जो आइसबर्ग की विजिबल टिप होती है ये क्या बताती है क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल केसेस अननोन केसेस हिडन केसेस या प्रिवेंटिव केसेस द right आंसर is ऑप्शन ए क्लिनिकली recognizable केसेस आइसबर्ग phenomena के अनुसार जो आइसबर्ग की ये टिप है ये उन सभी केसेस को बताती है जो कि कम्युनिटी में डायग्नोज हो चुके हैं आइडेंटिफाई हो चुके हैं इसके अलावा ये जो सबमस्ड पोर्शन है ये उन सभी केसेस को बताता है जो कि नंबर में बहुत ज़्यादा है और जिसे कम्युनिटी में अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन पर्पस ऑफ डी ई आई सी डी ई आई सी का क्या पर्पज है ऑप्शन ए रेफरल एंड लिंकेज विथ टर्शरी ऑप्शन बी प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट टू बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ आर बी एस के टीम या इनमें से कोई नहीं द राइट आंसर एज ऑप्शन ए रेफरल एंड लिंकेज विथ टर्शरी आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं डी ई आई सी इज़ अ पार्ट ऑफ आर बी एस के प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जो है उसी का पार्ट है डी ई आई सी इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर नीडेड टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन हॉलिस्टिक मैनर एड्रेसिंग डिफेक्ट्स एट बर्थ डिजीज डेफिशिएंसी एंड दोज विद डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटीज और न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ डिसेबिलिटीज आर के प्रोग्राम छ से लेकर अट्ठारह साल तक के बच्चों में डिजीज़ को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने और उनके ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया गया था इस आर के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज बनाई गई जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसेबल्ड डिजीज डेवलपमेंटल डिलेज या रिस्क ऑफ डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करके तुरंत उन्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेरी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बेरी डिजीज किसकी कमी से होता है विटामिन डी विटामिन सी विटामिन बी विटामिन ए राइट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन बी वन अगर किसी क्लाइंट में विटामिन बी वन की कमी हो जाए थाइमिन की कमी हो जाए तो इसमें बैरी बैरी डिजीज हो सकता है जनरली क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में इस विटामिन की कमी देखी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन परप्यूरा इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परप्यूरा किसका साइन है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस एनीमिया या ल्यूकोपीनिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अगर किसी क्लाइंट में प्लेटलेट काउंट डेढ़ लाख से साढ़े चार लाख के बीच है तब तो ये नॉर्मल है लेकिन अगर प्लेटलेट की संख्या डेढ़ लाख सेल्स पर एम एम क्यूब से कम होती है तो ये कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहलाती है यानी कि प्लेटलेट्स का शरीर में कम होना और प्लेटलेट्स अगर शरीर में कम होंगे तो पर्सन में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा प्लेटलेट्स के कम होते ही शरीर के आ, शरीर में स्किन के जस्ट नीचे छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और इस ब्लीडिंग के कारण बॉडी पर लाल लाल चकते या निशान दिखाई देंगे इन्हें ही हम परप्यूरा कहते हैं तो कह सकते हैं कि बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी के बाद ब्लीडिंग के कारण स्किन पर बने लाल चकते के निशान परप्यूरा हैं और ये थ्राइम्बोसाइटोपीनिया कंडीशन में देखे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रयान स्ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन किस सिचुएशन में ब्रयान स्ट्रैक्शन लगाया जाता है फ्रैक्चर ऑफ फीमर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस स्पाइनल फ्रैक्चर रेडियस फ्रैक्चर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए छोटे बच्चों में चिल्ड्रन्स के अंदर अगर फीमर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उनमें ये ट्रैक्शन काम में लिया जाता है और इस ट्रैक्चर ट्रैक्शन को लगाने के लिए बच्चे को इस पोजीशन में रखा जाता है उसके दोनों पैर जो हैं हवा में उठाकर रखे जाते हैं ताकि बोन्स का अलाइनमेंट मेंटेन किया जा सके और इस्पाज़्म कम से कम डेवलप हो, जिससे कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट ना हो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉरनर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेस्ट ऑफ लक